क्या आपने कभी बहती हुई नदी को ध्यान से देखा है? बड़ी तेजी के साथ वो अपने ओरिजिन पॉइंट यानी अपने उद्गम स्थान से बहना शुरू करती है। पता है, शुरुआत से ही उसका लक्ष्य अपनी मंजिल यानी सागर को पाना होता है। रास्ते में हजारों लाखों बाधाएं आती हैं, लेकिन फिर भी वो लगातार बहती रहती है। भले ही कुछ जगहों पर उसकी रफ्तार में कमी हो जाती है, लेकिन वो कभी रुकती नहीं है। अपनी मधुर सुरीली आवाज में बहती हुई नदी अपनी मंजिल की ओर लगातार बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती ही रहती है। और एटलीस्ट कैसे भी करके वो अपना लक्ष्य प्राप्त करके ही रहती है। सोचो, यदि नदी बीच में ही बहना छोड़ दे तो क्या होगा? उसका पानी रुक जाएगा, धीरे धीरे कुछ ही दिनों में सूखकर नष्ट हो जाएगा, यानी नदी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, बिल्कुल यही चीज़ हमारी लाइफ में भी होता है। यदि सक्सेसफुल होने के लिए आप कोई लक्ष्य तय करते हैं, तो उस लक्ष्य तक पहुंचने की पहला कंडीशन है आपको लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना। यदि आप कहीं रुके तो असफलता आपके गोद में आ जाएगी। हमें पता है कि अपने मनपसंद लक्ष्य तक पहुंचना आसान नहीं होता। यदि आसान ही होता तो आज दुनिया के सभी लोग सफल होते। आपके सफलता के रास्ते में अनेक बाधाएं आएंगी, लेकिन आपको रुकना नहीं है, आपको निरंतर चलते रहना है। याद रहे, आपको रुकना नहीं है, आपको निरंतर चलते ही रहना है। जो लोग मन से कमजोर होते हैं, जिनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम होता है, वह इन परेशानियों के आगे झुक जाते हैं और अपने लक्ष्य से हार जाते हैं। और बाद में अपने भाग्य कोसते हैं कि मेरा भाग्य ही नहीं था कि मैं इसे काबिल बनूं। अरे यार, भाग्य को छोड़ो, मेहनत करो, चलते रहो, सफलता एक दिन तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएगी। लेकिन आप जैसे वीर लोग ही इन परेशानियों का सीना तान कर सामना करते हैं। चाहे क्यों ना, उनके टारगेट तक पहुंचने में उसके स्पीड में कुछ समय की कमी आ जाए, लेकिन वे रुकते नहीं हैं। कभी भी नहीं रुकते हैं वो। और जो रुकते नहीं हैं, उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने में दुनिया की कोई भी शक्ति उन्हें रोक नहीं सकती। याद रहे, हमें रुकना नहीं है, हमें निरंतर चलते रहना है। हमें रुकना नहीं है, कभी भी नहीं रुकना है। सफलता तो आपके मुट्ठी में है।